ऑल राइट गाइस, इंट्रो देखकर तो आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो हाँ, आज हम पकड़ने जा रहे हैं सीरियल किलर को जिसने न जाने कितने मर्डर्स किए हैं और महिलाओं का शोषण किया। तो आज के इस वीडियो में उस सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। बस उसके लिए हमको जो भी मर्डर्स हुए हैं उनकी इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी और पता करना पड़ेगा आखिर इस कत्लों के पीछे, मर्डर के पीछे किसका हाथ है और क्यों उसने मर्डर किए हैं। अगर इंट्रो देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने खून किया तो डेफिनेटली मैं सीरियल किलर नहीं हूँ, जो कि मैं डिटेक्टिव बना हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं पूरा तहकीकात करूँगा, इन्वेस्टिगेट करूँगा कि किसने ये मर्डर्स किए हैं और किसने इनको मारा है, क्यों ऐसा कर रहा है वो सीरियल किलर, वो भाई सीरियल किलर ऐसा क्यों कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में पता करने वाला है। तो फटाफट से हम चलते हैं जहाँ पर कत्ल हुआ है, जहाँ पर मर्डर हुआ है, और हम पता करेंगे आखिर किसका मर्डर हुआ है। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि मर्डर किसका हुआ है। तो जैसा कि इन्वेस्टिगेशन पे पता चला है कि यहाँ की जो गेस्ट हाउस है उसकी मालिक है ये बड़ी कंपनी की औरत, ये बड़ी मालिक है इस कंपनी की। कोई कौन सी कंपनी? टेक्सटाइल कंपनी की मालिक है ये, और उसका मर्डर हुआ है यहाँ पर अभी अभी सुबह सुबह यहाँ पर मर्डर हुआ है। इसकी तहकीकात करने हम आए हैं और पता करना है कि आखिर कितनी भाई लाश को देखकर तो लगता है कि बहुत ही बेरहमी से मारा है। डॉक्टर आपका क्या कहना है? सर हाँ, जैसे आप बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। बहुत ही तहकीकात करने के बाद मुझे पता लगा कि बहुत ही बेरहमी से मारा। देख सकते हो उसके पैर हाथ कैसे मुड़े हुए हैं और ना ही इसको कहीं भागने का जाने का मौका दिया। लगता है कि पीछे से इसके ऊपर वार किया है। बिल्कुल पीछे से वार किया है। तुमने इसके घर वालों का पता किया? सर वो बाहर गए हैं सर, यहाँ पर कोई नहीं सर, ये अकेले थी और हम यहाँ पर आए जब तो कोई नहीं था यहाँ पर। ठीक है ठीक है। तो गाइस आज पता करना पड़ेगा, तहकीकात एक एक हम एक एक पॉइंट के ऊपर नजर मारेंगे, एक एक पॉइंट के ऊपर हम देखेंगे। तो बस सिंचन तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ है? भैया मुझे तो लगता है कि हाँ उसने पैसों के चक्कर में उसका कत्ल किया है। पैसों के चक्कर में कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि केवल पैसे ही है इसके बीच में। मुझे मामला कुछ और लग रहा है भाई। इसकी हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि कम से कम नाना करके 20 गोलियां इसको मारी गई है। गाइस 20 गोलियां इसको अगर मारी गई तो मान सकते हो कि क्या हालत होगी उसकी बॉडी के अंदर भाई। और भी पता चलेगा कि क्या हुआ है, लेकिन वो तो बस डॉक्टर पोस्टमार्टम करने के बाद ही बताएंगे। डॉक्टर सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बस तो गाइस आज की इस वीडियो में पता करने वाले कि इसका मर्डर आखिर किया किसने। तो फटाफट से डॉक्टर आप बताओ क्या करना है। पहले हम पोस्टमार्टम करेंगे उसके बाद आप बताएंगे। ठीक है तो आप पोस्टमार्टम करिए, मैं इसकी फैमिली का पता करता हूँ कि आखिर इसकी फैमिली कहाँ है। चलो भाई गाइस चलते हैं फटाफट से और इसकी फैमिली का पता करके आते हैं। तो भाई मैं जा रहा हूँ इसकी फैमिली का पता करने, आखिर कौन है, क्या है, क्या है, सब कुछ मैं इसकी कंपनी में जाऊँगा और पता करके आऊँगा कि आखिर ये हुआ कब है, कब से ये लापता है, अपनी कंपनी में गई नहीं है, वो पता करेंगे। तो फटाफट से यहाँ से अपन निकलते हैं क्योंकि अब ज़्यादा देर यहाँ पर रुकने का मतलब नहीं है। तुम यहीं पर रहना, किसी को अंदर आने मत देना, अगर कोई आता है तो नजर रखना उसके ऊपर। शिनचैन तुम क्या सोचते हो? जी हाँ भैया, सबसे पहले हमें वहाँ चलना पड़ेगा जहाँ से ये आई है, मीन्स यहाँ पर इनकी कंपनी पे चलना पड़ेगा। ठीक है, मुझे भी यही लगता है कि इसकी कंपनी में जहाँ की ये मालिक है उस कंपनी में जाने की। हालांकि ये जो गेस्ट हाउस ये भी इसका है, लेकिन अपन को उस शोरूम में चलना, इस कंपनी में चलना पड़ेगा। तो फटाफट वहीं चलते हैं। तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना है, किसी को अंदर जाने मत देना जब तक मैं ना बोलूँ, मुझसे कॉल करे बिना किसी को अंदर भी मत देना। और मैं शाम को फिर आऊँगा, मैं बस इसकी कंपनी में जाके आता हूँ, तहकीकात करके आता हूँ। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं और बिना देरी किए वहां पर पहुंचते हैं। अगर आप महिलाओं का, वुमेन्स का अगर आदर करते, सम्मान करते, रेस्पेक्ट करते, तो आज की इस वीडियो को लाइक प्लस शेयर प्लस कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए वीडियो बनाया गया है, मींस उनकी सपोर्ट के लिए, मींस उनकी रेस्पेक्ट के लिए, क्योंकि महिला दिवस आने वाला है। तो गाइस आज की इस वीडियो में कम से कम हम 200 लाइक का अहम रख रहे हैं और इस टारगेट को पूरा कराना आपका काम है। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं से अगर प्यार करते, उनको सपोर्ट करते, उनको रेस्पेक्ट देते, तो प्लीज शेयर करो शेयर करो शेयर करो अभी इसी वक्त। तो बस हमको आज जो पकड़ना है उस सीरियल किलर को पकड़ना है, और सीरियल किलर को पकड़ने के लिए सबसे पहले हमको जहां वहां जाना पड़ेगा जहां से ये कहानी शुरू हुई थी कि आखिर ये मर्डर हुआ ही क्यों। उस मर्डर होने से पहले वो जो महिला थी वो गई कहां पे? तो यहां पर भी हमको तहकीकात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्डिंग का पीछे वाला हिस्सा है, यहां पर कोई ना कोई हो सकता है, कोई ना कोई सुराग हमको मिल सकता है जिससे हम उस सीरियल किलर तक पहुंच सकते हैं। तो बस हमें यहां पर जाना है, बस उसके लिए एक लाइक तो बनता है। शिनचैन तुम्हें मैं उस ऊपर की तरफ जाऊंगा और तुम नीचे की तरफ देखना, अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा कुछ लगता है कि कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, कुछ उटपटा सा लगता है, तो मुझे फटाफट से आवाज लगाना। तो फटाफट से चलते हैं ऊपर की ओर और देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सुराग मिलना चाहिए।
सिंचियन तुम्हें कुछ मिला क्या वहाँ पर? सिंचियन कुछ आवाज दो, तुम्हें कुछ मिला? नहीं भैया मुझे कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर देखते हैं, ओ गाइस यहाँ पर तो गाइस लाश है, एक और लाश हमको मिली, एक ऊपर थी उस गेस्ट हाउस के अंदर और एक यहाँ पर भी है, यानी कि उस सीरियल किलर ने दो मर्डर किए हैं। गाइस ये एक और लाश सेम टू सेम वैसी ही लग रही है और इसको भी कम से कम बहुत सारी गोलियां मारी गई हैं। मुझे लगता है उस सीरियल किलर का कुछ और इरादा है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी छोटे मोटे कारण के लिए इनका कत्ल कर रहा है, इनका मर्डर कर रहा है। सिंचियन मुझे कुछ और ही मामला लग रहा है, तू क्या सोचता है? मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उनको कॉल करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यहाँ पर एक लाश है, एम्बुलेंस लेके आएंगे और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलो अपन यहाँ से चलते हैं, अपना रुकने कोई काम नहीं बनता है, आ जाओ। सिंचियन तूने नोटिस किया कि एक और कत्ल हो चुका है लेकिन अभी तक वो किलर पकड़ा नहीं गया है। लॉस सांटोस में वो ऐसे ही घूम रहा है और हम उसको पकड़ नहीं पा रहे। मुझे इस बात का अफसोस है कि वो महिलाओं को ऐसे इसी इतनी बेरहमी से क्यों मार रहा है। तो गाइस ऐसे लोगों को पकड़ कर सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताओ कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। लेकिन हम फटाफट चलते हैं क्योंकि हमें अभी अभी कॉल आया है कि एक और कत्ल हुआ है बीच के वहां पर। तो फटाफट से बीच पर चलते हैं क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, हम निकले थे सुबह से लेकिन अभी शाम होने को आई है। गाइस फटाफट चलते हैं और काफी अंधेरा भी होने वाला है, अंधेरे होने से पहले पहले हमें वहां पहुंचना पड़ेगा। ओ अंधेरे होने से पहले क्या, हमें जल्दी पहुंचना है क्योंकि यहां पर वहां पर लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, पुलिस हमारा इंतजार कर रही है क्योंकि उस एक और कत्ल हो चुका है। मतलब एक और कत्ल होने का समझते मतलब एक और कत्ल, यानी कि एक और सीरियल किलर ने जीत हासिल कर लिया और ये हुई है जनता की हार, ये हुई है पुलिस की हार, ये हुई है उन सुरक्षा कर्मियों की हार जो ध्यान नहीं रख पाते, जो अपनी सेवा के लिए समय तैयार रहते लेकिन उन्होंने सीरियल किलर को पकड़ नहीं पाए। लेकिन किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से मैं उस सीरियल किलर को पकड़ पाऊंगा, बस मुझे एक बार वो पता चल जाए कि एक बार वो है कहां पर, उसका नंबर मिल जाए, उसका पता मिल जाए तो मैं उसके पास पहुंचूंगा। लेकिन पहले मैं यहां पर आया हूं तो मैं पहले यहां पर पहुंचाऊं तो यहां पर चेक करता हूं आखिर ये हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ। चलो फटाफट से चलते, सिंचियन जल्दी आ जाओ। सिंचियन इस तरफ चलना है, जल्दी से आ जाओ सिंचियन, इतनी देर मत करो, तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो। ऑफिसर्स क्या हुआ, कैसे हुआ मर्डर, तुम्हें कुछ पता चला? नहीं सर, हम तो अभी अभी आए सर, जब हमको किसी ने इन्फॉर्म किया था सर, किसी ने कॉल किया था और जैसे ही कॉल आया मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ये लाश पड़ी है सर, इसको भी सेम टू सेम वैसे ही मारा गया है जैसे उन दोनों लाश को मारा गया। देख तो यही रहा है कि इस लाश को भी, गाइस आपने एक बार नोटिस की, मैंने नोटिस की लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, बाद में बताऊंगा। जितने भी कॉल हो रहे हैं उनको एक ही तरीके से मारा जा रहा है, एक ही ना एंगल से मारा जा रहा है और एक ही वजह से मारा जा रहा है। ये सच है, ये तो परफेक्ट, मतलब कुछ भी कर लो ये तो सच है, ये तो कन्फर्म है कि एक ही वजह से, एक ही तरीके से और एक ही एंगल से मारा और मारने वाला भी एक ही है। तो बस देख सकते हो कि इसके सबसे पहले जो मैं बताऊंगा आखिर कि क्या है इसका जो सीक्रेट है वो मुझे पता चल गया। ऑफिसर तुम इसको डॉक्टर्स के पास ले जाओ, उसका पोस्टमार्टम करो और मैं यहाँ से निकलता हूँ। फटाफट से गाइस चलते हैं क्योंकि आपने जो बात नोटिस की वो मैंने भी बात नोटिस की, वो ये थी कि सबसे पहले लाश को जो गोली लगी है, जो कत्ल हुआ है, मतलब जो मर्डर हुआ है, मर्डर में जो उसने बंदूक से गोली निकाली है वो सबसे पहले माथे पर, सिर पर मारी है, उसके बाद उसने पूरी बॉडी पर गोली चलाई है। तो सब सोच सकते हो कि उसका तरीका एक ही है, उसका वो कुछ मैसेज देना चाहता है इस कत्ल के द्वारा, इन मर्डर के द्वारा कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा है कि सबसे पहले वो सिर पर मार रहा है फिर उसके बाद बाकी जगह पर वो गोली मार रहा है। मुझे लगता है कि इनमें से कोई एक तो नहीं है क्योंकि ये गाड़ी चला रहे और अजीब तरीके से चला रहे, मुझे शक है इनके ऊपर। चलो इनका पीछा करता हूं, एक बार पकड़ते कोशिश करते, गाइस कोई भी हो सकता है पता नहीं। हाँ भाई तू ही है क्या, मेरी गाड़ी की आवाज सुन के, हॉरर सुन के तू भी उसकी बात भी, तुझे आवाज नहीं आती? हाँ चलो ये तो नहीं लगता गाइस, ये भी नहीं है, चल हट, ये भी नहीं, नहीं गाइस ये नहीं है, अपन को यहाँ से निकलना है क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, रात होने वाली है। चलो यार गाइस यहाँ से चलते, मैं थक चुका हूँ, सुबह से निकला हूँ और अभी तक सीरियल किलर पकड़ा नहीं गया है तो मुझे यहाँ से निकलना है क्योंकि रात होने वाली है। तो गाइस रात हो चुकी है और अभी अभी मुझे एक और कॉल आया कि एक और कत्ल हो चुका है, वो जो कि यहाँ पर हुआ है पार्किंग एरिया के अंदर। अब तक हमारे पास तीन कत्ल हो चुके हैं जो कि मैंने देखे हैं और ये चौथा कत्ल हो चुका है जो कि सील कर चुका है और वहाँ पर हमें पहुँचना है। अभी हुआ नहीं है या नहीं हुआ है ये पता नहीं है, लेकिन हमें फ़ोन आया था और फ़ोन आते ही मुझे कंट्रोल रूम से और मैं यहाँ पर दौड़ आया हूँ। तो फटाफट मुझे चेक करना है कि आखिर वो अभी हुआ है नहीं हुआ है, कुछ पता नहीं है। तो चलो फटाफट से चलते हैं और चेक करते हैं।
तो गाइस अपन फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पर ही। मुझे बताया गया था कि जो मुझे लोकेशन भेजी थी, और हम लेट हो चुके हैं गाइस क्योंकि कत्ल अभी अभी हुआ है। देख सकते हो खून बह रहा है, अभी अभी निकला है, यानी कि कातिल अगर गया नहीं होगा यहीं आसपास ही हो सकता है, और उसको भी सेम ही तरीके से मारा गया है, सेम ही एंगल सेम ही वजह से होगा, क्योंकि ये चौथा मर्डर है जो आज हुआ है मेरी आंखों के सामने। यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो आसपास यहीं कहीं होगा, यहीं कहीं गया होगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। सिंचर पता नहीं कहाँ चले गए, चलो मैं चेक करता हूँ फटाफट से, यहीं कहीं होना चाहिए वो। अगर यहीं अभी इसका मर्डर हुआ है तो यहाँ आसपास ही होगा, कहीं गया नहीं होगा। मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, अगर यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर कहीं छुपा हुआ हो तो जल्दी से मैं ढूंढता हूँ। गाइस आप एक लाइक करो, फटाफट मिल जाए और सपोर्ट करो ताकि वो उसकी सीरियल किलर को पकड़ा जाए, क्योंकि सीरीज जो है बहुत ही लंबी चलने वाली, लेकिन हमारी एक और महिला चल बसी हमें छोड़कर। तो बाय गाइस, इस महिला के एक लाइक तो बनता कि इसने अपनी कुर्बानी दे। गाइस जहां भी जा रहे हैं वहां पर केवल एक ही हमें जगह, मतलब एक ही चीज देखने को मिल रही है, लास्ट लास्ट लार। और लॉस सांटोस में आखिर हो क्या गया है भाई, क्या दिक्कत क्या है उस व्यक्ति को जो इन महिलाओं को, बेचारी अबला नारियों को मार रहा है। पूरे सीरियल किलर ने अब तक न जाने कितनी महिलाओं को टपका डाला है, ये कम से कम पांचवी महिला होगी जिसका सीरियल आज खून हुआ है। मुझे इस घर के अंदर चेक करना पड़ेगा, कहीं यहाँ पर तो नहीं है, क्योंकि ये इस घर के आसपास कत्ल हुआ है। ये तो लगता है किसी सिक्योरिटी यानी कि यार पुलिस वाले का है, लेकिन यहाँ पर चल सिंचन फटाफट आ जाए, यहाँ से निकलते हैं, मुझे गड़बड़ लग रही, पुलिस वाले आकर देख लेंगे। मैं तो यहाँ से निकलता हूँ, काफ़ी थक चुका हूँ, रात के एक बज चुके यार, कितना ध्यान देंगे वो सिली के लिए जो पूरे जितने भी लोगों को मिल रहा है सबको टपका डाल रहा है। चलो गाइस अभी जाके सो जाते हैं और सुबह देखेंगे आखिर करना क्या है, क्योंकि थक चुका हूँ, मेरा माइंड बंद करना बिल्कुल खत्म हो चुका है, माइंड बिल्कुल काम करना बंद चुका है। इसको गाड़ी को अंदर रख देता हूँ। सिंचन जल्दी बैठ, तो यार बार बार उतरता है बैठता है, क्या करता है आखिर, तेरी दिक्कत क्या है। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है और अभी जो है सोने का टाइम आ रहा है। भाई तू क्यों खेल रहा है गैराज के अंदर, जल्दी आ जा देख। अरे यार इसकी प्रॉब्लम अलग ही है, जल्दी आ जल्दी आ। अरे देख फिर यार तू यार नौटंकी काहे कर रहा है बे, जल्दी आ जा। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं और सो जाते हैं, यार काफ़ी टाइम हो गया भाई, सील तिल को पकड़ा है और फ्रेश माइंड में सुबह करेंगे। अभी बोलते हैं गुड नाइट और सुबह उठकर होगी हमारी मॉर्निंग। तो गाइस मॉर्निंग हो चुकी है और अब यहाँ पर मैं सबसे पहले नहाऊंगा, और नहाने के लिए कपड़े चेंज करेंगे, क्योंकि यार इस आउटफिट पे रात को सो गया था और काफ़ी गर्मी लग रही थी, इसलिए अभी चेंज करने का, एकदम रिफ्रेश होने का, पानी के अंदर ठंडे पानी के अंदर जाने का और मज़ा लेने का। चलो भाई फटाफट से। छिन उठ गया तू? हाँ भैया मैं तो कब का उठ गया, चल उस सोचा सिरिल किलर के बारे में कुछ। हाँ भैया सोचा मैंने, क्या सोचा सिरिल किलर को? अब मेरे को एक आइडिया है, क्यों ना मैं एक लड़की बनकर और उससे ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ पर वो ढूंढ रहा हो और वो मुझे जैसी माने आप वहाँ पर मौजूद हो। आइडिया तो तेरा अच्छा है, लेकिन बेटा तू बहुत छोटू है अभी, तेरी हाइट जो है वो बहुत छोटी है, और अगर तू महिला बन के जाएगा तो बच्ची लगेगा, बच्ची छोटी बच्ची है क्या तू, ऐसे लोग बोलेंगे। तो अभी तू ये आइडिया तेरा काम करने का नहीं है, लेकिन मेरे को मेरी बात तो समझो आप। अरे बेटा समझ गया हूँ, लेकिन ये काम चलेगा नहीं तेरा, मेरे पास एक और आइडिया है, क्यों ना किसी और को हम महिला बनाकर। अरे क्यों किसी और को महिला क्या बनाना, किसी महिला को उसके सामने बेच कर वहाँ पे इसको ट्रैप कर और पकड़ लेंगे। पुलिस वाला आता है उससे बात करते क्या बोलता है, चल देखते हैं पुलिस वाला क्या बोलता है अगर। लेकिन मेरे माइंड में तो एक आइडिया है कि क्यों ना हम जगह जगह पर पुलिस फोर्स वाली महिलाओं को बुलाकर उनको जगह खड़ा करके और उनको उसको ट्रैप कर दें और उसको पकड़ने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से ये आइडिया है, लेकिन बस ये है कि इस आइडिया को काम करना चाहिए, क्योंकि वो जो सीरियल किलर है बहुत शातिर है, अभी तक उसने उसको किसी ने चेहरा नहीं देखा है। चलो कोई बात नहीं, ओ मैं आ गया हूँ, ये फ्रैंकली बताने क्या कर रहा है, ये केस अपने हाथ पर तो ले लिया उसने, लेकिन अभी तक अब घर पर ही बैठा है। अरे फ्रैंकली तुम कर क्या रहे हो भाई, तुमने सोचा क्या आखिर उस सीरियल किलर का कुछ किया कि नहीं किया? हम ढूंढ रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं, और हमने एक आइडिया भी सोचा है। क्या आइडिया सोचा है वो तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन तुम्हें बताओ कुछ में कुछ पता चला उस उनके परिवार के बारे में? जितने भी कत्ल हुए हैं उनके परिवार इस लॉस सांटोस में है ही नहीं, क्या बात कर रहे हो? हाँ उस सब के सब लॉस सांटोस से बाहर है, क्या बात को? कहीं कातिल कहीं इसके घर से तो नहीं? मुझे भी यही लगता है इनके घर से। चलो ठीक है मैं देख लेता हूँ, मैं पुलिस स्टेशन आके मिलता हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ नहाने और रेडी होकर मैं तुम्हारे पास पहुँचता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ कि आखिर करना क्या है। ठीक है चल ठीक है, मैं पता करता हूँ कि आखिर ये सीरियल किलर कौन है, कोई एक व्यक्ति है जो मुझे बता सकता है इसके बारे में, उसके लिए मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा, लेकिन पहले मुझे तैयार होकर यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत दूर रहता है, कम से कम मुझे शाम हो जाएगी आते आते, तो तुम देख लेना है
थोड़ा और सर्च करो उनके परिवार के बारे में, उनके रिश्तेदारों के बारे में, जब तक शिनचैन और मैं पता करते हैं कि आखिर ये सीरियल किलर है कौन। मुझे बस कम शाम तक का समय दो और शाम तक मैं तुम्हें पता करके बता दूंगा कि ये सीरियल किलर कौन है और तुम्हारे सामने भी हो सकता है तुम्हारे सामने भी मैं लेके आ जाऊंगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, तुम भी जाओ अपनी ड्यूटी पे, शिनचैन फटाफट से रेडी हो जाए, चलते हैं। और यहाँ पे बस अब रुक नहीं रुकना है, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है समझ में तो आ गया है, लेकिन एक बात बताओ कि तुम क्या कर रहे हो? देखो ये सीक्रेट है, ये बात मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ये बात मैं शाम को आके तुम्हें बताऊंगा, अभी मुझे जाने दो बस, अभी तुम इतना रोको टोको मत, मुझे निकलने दो, फिर मैं तुम्हें शाम को आके बताऊंगा कि मैं कहां पर जा रहा हूं, ठीक है ओके। जल्दी आ जाओ, लेट हो जाएंगे, कॉफी काफी देर हो चुकी, उस पुलिस वाले ने काफी टाइम खराब कर चुके, आप फटाफट से आ जाओ क्योंकि अभी हमें बहुत दूर जाना है, उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए अपने एक गैंग से मिलना है, उस गैंग से मिलेंगे तभी अपन को पता चलेगा कि आखिर ये सीरियल किलर कौन है, क्योंकि ऐसा कोई कत्ल करने मर्डर करने वाला नहीं पता हो जिसे अपनी गैंग को पता हो। मेरे पास ऐसे 5-6 लड़के हैं, एक ऐसे लफाड़िए हैं जो मुझे बता सकते हैं, उस तह तक मुझे पहुंचा सकते हैं, लेकिन पहले अपन शॉर्टकट रास्ता लेंगे, यहाँ से चलते, आखिर यहाँ से भी तो कोई दिक्कत नहीं है चलने, ये रास्ता बहुत ही छोटा है, यहाँ से जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन एक सेकंड, ये क्या यार, एक और लाश, आखिर दिक्कत क्या है यार, क्यों बेरहमी से लोगों को मारा जा रहा है हमारे लॉस सांटोस के अंदर, आखिर उस सीरियल किलर को मजा आ रहा है इन किलर को इन लोगों को मारकर, यार मुझे तो बोला भी नहीं जा रहा, मेरा तो मन जो है बहुत ही उदास हो रहा है, सुबह सुबह कत्ल देख रहा हूँ, आखिर इसकी आंखों को देखो कैसे नोचा गया है, कैसे इसकी आंखों पर गोली, इसके मुंह पर गोली लगाई गई है, यार इनको शर्म नहीं आती, पुलिस वालों को बुलाओ फटाफट से, पुलिस वालों तुम कर क्या रहे हो? सर तहकीकात चल रही है, आप भी तो इस केस में, हाँ वो तो मैं हूँ यार, लेकिन थोड़ा यार क्या करूँ यार, चलो यार इसको भी तुम ले जाओ और इसको पोस्टमार्टम करो, आखिर देखो आखिर दिक्कत क्या है। सर जो आप पिछले जो कत्ल हुआ था सर, उसके साथ बहुत ही गलत किया गया, इन सब के साथ मर्डर करने से पहले उसने बहुत ही गलत काम किया, उसके बाद से मर्डर किया, मुझे मालूम है उसने ऐसा किया है, लेकिन तुम चिंता मत करो मैं पकड़ के रहूँगा, तुम इसको लेके जाओ और आज शाम को हमको वो मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। उससे पहले मुझे यहाँ पर पता चला है कि कोई सस्पेक्ट मिला है जो औरतों को लूट रहा है, अभी देखो रुक जा बेटा, छोड़ दे, दूर हो जा, नहीं तो तेरे को मार दूंगा, इसको छोड़ दे, दूर हो जा, नहीं तो तेरे गोली चला दूंगा, ऐसे नहीं मानेगा तू, ये ले, आखिर तू मानेगा नहीं ना, तेरे को बोला था तेरे को कि मत कर, बोला था, नहीं सुधरा ना तू, जल्दी से बता तू औरतों को क्यों मारता है, बता क्यों उनके पैसे लूटता है, क्यों उनको कत्ल कर रहा है तू? सर मैं नहीं हूँ, सर मैंने कुछ नहीं किया, तूने किया है, जल्दी बता, अब तक तू 5 मर्डर कर चुका है। सर मैं तो सर छोटा मोटा 4 रुपए पैसे कमाने के लिए ऐसे करता हूँ सर। अरे ये नहीं है गाइस, ये नहीं है, मैंने सोचा आखिर सीरियल किलर पकड़ा गया, लेकिन वो सीरियल किलर इतनी जल्दी थोड़ी पकड़ा जाएगा, चलो यहाँ से चलते, आ जाओ शिनचैन, हमें यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकना है, फटाफट से यहाँ पे चलो, और मुझे पता चल गया कि हाँ भाई वो गैंग के पास हम जा रहे हैं गाइस, तो फटाफट से लाइक करो उस गैंग के लिए, क्योंकि यहीं आसपास वो गैंग रहती, आसपास तो नहीं है बहुत दूर है, क्योंकि हमें अब तक भाई वो नहीं मिली है, तो यहाँ पर तो नहीं है, बस हम पहुँचने वाले हैं और आज शाम तक सीरियल किलर का पता चल जाएगा और उसको हम पकड़ लेंगे, क्योंकि अब उसका टाइम आ चुका है सीरियल किलर का, तो यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं, और तो पहुँचने वाले क्या पहुँच चुके हैं, तो गाइस ये देखो हमारे सामने खड़े हैं चुनने चुनने मुन्ने टिच्चे मुच्चे लफंगे गली के लफाड़े। हाँ भाई फ्रैंकलिन दादा, हमें क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि एक सीरियल किलर लॉस सांटोस के अंदर घुस गया है और वो औरतों को बेरहमी से मार रहा है, उनका शोषण कर रहा है, कि अगर ऐसा कोई है जो तुम्हारी नज़रों के सामने, जिसको तुम जानते हो जो ऐसा काम करता है, तुमको लगता है कि वो ऐसा कर सकता है, तो जल्दी से उसका नाम बता दो अगर तुम जानते हो तो। दादा हमको तो कुछ नहीं पता दादा, हम तो ऐसे कामों से दूर रहते हैं दादा, आपको पता हम तो छोटे मोटे आपको पालू में, हम तो बस हमारी गैंग से मतलब रखते हैं और हमारे एरिया से मतलब रखते हैं, एरिया तो कुत्तों को आता है बेटा, लेकिन तू बात तो कुछ सही करते देख, जल्दी सच सच बता, ईमानदारी से बता दादा, आपको मालूम है दादा अपन कोई गलत काम नहीं करता दादा, आप जो बोलेंगे वही है दादा, आपको पता है कि हम गलत काम नहीं करते दादा, आपसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा दादा? चलो ठीक है तुम बोलते हो तो ठीक मान लेता हूँ, लेकिन अगर ऐसे कोई शक के दायरे में तुम्हारे पास आता है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना, अभी मैं जा रहा हूँ शिनचैन, चलो जल्दी बैठो यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हमें शाम तक पता लगाना था लेकिन नहीं पता चला, लेकिन एक बात तो समझ में आ गई कि उसका और कोई इरादा है, केवल कत्ल और चोरी नहीं, उसका कुछ और ही इरादा है, वो कुछ मैसेज देना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, लगता है किसी का कॉल आ रहा है। तो तुम मुझे ढूंढ रहे हो, कौन हो तुम? मैं कौन हूँ?
पता चल जाएगा। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग।